शिवपुरी राजद कार्यालय में राजद नेता डॉक्टर गौतम कृष्ण ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में किसान के खिलाफ लगाए गए अध्यादेश का खंडन करते हुए कोशी प्रमंडल के मुख्यालय और कोशी सीमांचल के प्रमुख जिला सहरसा को बिहार सरकार कैबिनेट के द्वारा नगर निगम नहीं बनाए जाने पर आपत्ति प्रकट की। प्रेस को संबोधित करते हुए डॉक्टर गौतम कृष्ण ने कहा कि सहरसा बाढ़ प्रभावित एरिया है और यहां कैंसर जैसी भयानक बीमारी पैर पसार रही है। सहरसा को सत्ताधारी पार्टी के 3 विधायक और 1 सांसद रहने के बावजूद भी सहरसा को नगर निगम नहीं बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब राजद के तमाम कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है राजद ऑफिस सहरसा पे, इसका मुख्य मकसद है सहरसा के साथ जो लगातार नाइंसाफी होती आ रही है, उसी क्रम में अभी 2 दिन पहले सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है नगर पंचायत का, नगर परिषद का जो बनाया गया है, उसमें सहरसा का बरसों पुराना मांग था नगर निगम बनाने का। आज सहरसा को पुनः नगर निगम न बना करके नया झटका दिया गया है और यह लगातार आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, सहरसा कोसी का मुख्यालय है और लगातार यहाँ की बदतर स्थिति जो बनी हुई है, विकास के सारे मुद्दे पर इस 2वें दर्जे पर रखा गया है। पता नहीं सरकार को क्या सहरसा से भेदभाव करना है। लगातार सत्तारूढ़ के यहाँ 3 अभी विधायक हैं, 1 माननीय सांसद है, उसके बावजूद भी उपेक्षा रखा गया है। फ्लाईओवर की मांग बरसों पुराना है, अधर में अटका हुआ है, हवाई अड्डा चालू नहीं है, बैनाथपुर पेपर मिल चालू नहीं हुआ और लगातार दयनीय स्थिति है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम बना हुआ है। इस तरह के जो सारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को भी आज तक अनदेखा किया गया है। मुझे तो अंदेशा अब इस बात की है कि किसी दिन सहरसा कोसी कमिश्नरी के मुख्यालय होने का दर्जा भी छीन लिया जाएगा।